पंचायत के कौन हैं उप मुखिया हैं ये महेंद्र शाह जी हैं और हमारे यह ठुठी पंचायत के उप मुखिया जी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस पंचायत में जो यह रोड बन रहा है वार्ड नंबर आठ और सात के बीच इस रोड में जो कमी है त्रुटि है क्रेक हो रहा है क्यों हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है इससे जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है यह यार रोड यह रोड तो जिस टाइम में ढलाई कर रहा था उस टाइम में हम जा के वो मुंशी है या ठेकेदार है दो तो अनजान है वो हम उसको बढ़िया तरह से नहीं पहचान पाते हैं रवन नाम का है वो शख्स जब या अथी जब मटेरियल जब डाल रहा था जे जे। तो चार किसी में डोली में चार चले जाता था पांच चले जाता था जब हम उसको विरोध किए कि ऐसे माल क्यों डालते हैं या सड़क कितना दिन रहेगा आप तो ढाल करके चले जाइएगा और पब्लिक को परेशान होगा इनके चलते वो बोला कि नहीं पाँच ही इंची ढला है हम बोले कि पाँच इंची जब ढला है तो एस्टीमेट आप दिखाइए बिल्कुल तो बोला कि पंच एस्टीमेट देखना है तो जा करके शिवधर घर के पास बोर्ड टंगा हुआ है वहाँ पर जा कर के अपना बोर्ड पढ़ करके एस्टीमेट देख लीजिए और उन्हीं का अनुकूल हम काम कर रहे हैं क्योंकि यह एम है एस्टीमेट बना हुआ नहीं है या एम से काम कर रहे हैं हम तो हम लोग क्या करेंगे होकर के जैसे था पब्लिक आम पब्लिक भी विरोध किया उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ जहाँ पे मिट्टी नहीं है वहाँ पे मिट्टी भी नहीं डाला है बस उसी मिट्टी के क्रम में यह रोड जो है जो फट रहा है जो साइड से हाँ रोड करेक हो रहा है देख रहे हैं अभी यहाँ भी करेक है मतलब हर एक जगह रोड हाँ हर एक जगह रोड करेक मिट्टी रोड पे का है डाला है मि, हमको बता मिट्टी इसलिए डाल रहा है कि यह करेक जो है ना किसी तरह ये चेक आएगा तो वह खत्म हो जाए अपना भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मुँह छिपाने मुँह छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है अच्छा एक बात कहिए यहाँ के कुछ ग्रामीण भी करे देख ठेकेदार को जब कहते हैं तो वो धमकी देता है, है धमकी देता है। बात सही है क्या

पंचायत में किसी भी प्रकार की काम होगी तो मुखिया का अधिकार है उस काम का जांच कर सकता है या वह पूछ सकता है कि यह काम जो हो रहा है किस आधार से हो रहा है इसका एस्टिमेट क्या है या किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में जान सकता है लेकिन एक उप मुखिया के साथ किस तरीका से इस ठेकेदार ने बात किया है या मुंशी ने बात किया है कि भैया जिसको देखना है जाके बोर्ड देख लो कहिए मुखिया के साथ ऐसे बात किया जाता है क्या भैया उसको एस्टीमेट दे दीजिए ना वो अपने आधार से काम करवाएंगे जैसा एस्टीमेट है वो अपने पंचायत में उसी तरीका से काम करवाएंगे करना है करो अन्यथा मत करो ये नहीं ना कह रहा है कि करिए दो काम धन्यवाद